हजरत इमाम मालिक कहते हैं, मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं, अमीरों के बच्चे एफएससी पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं। और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती हैं, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं, मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते हैं, मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था, फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते, एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेल जुमले, औरतों का तरीका होता है, कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कह तेरी, इमाम साहब सुनते रहे, जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर बे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसी भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है, और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाब का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करें तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयो, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तजाए करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है, अब कौन पूछता है, अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक, कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया, हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी, उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यही आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई, 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखे मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ?
कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है। उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इलम पढ़ने दे, इसे फकीर बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। कहा बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है, ये उनका कमाल है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने, आज तो असातिज़ा इकराम असातिज़ा, मुझसे एक टीचर कहने लगे हजरत जी दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बतलाए। तो मैंने कहा क्लास में कोई यतीम बच्चा ढूंढ ले, कोई लावारस बच्चा ढूंढे, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले लें, किताबें अपने जिम्मे ले लें, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लें, रोज जेब में टाफियां डाल के जाया करें कि गरीब को देनी है। पर मैं दो महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखे, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हैं, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते। कूफे का एक अमीर आदमी था, फिर गरीब हो गया, गरीब गुर्बत बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी, बड़ी आजमाइश। गरीब बेवकूफ इसलिए होता है कि उसकी जेब में पैसे नहीं होते, गरीब मजबूर इसलिए होता है कि उसके पास होता कुछ नहीं ना, तो सारी आजमाइशें इकट्ठी आ जाती। गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता लेकिन पूरी ना होती। वो कहता एक दिन गली में ककड़ी बेचने वाला आया, तो मेरी एक बेटी थी छोटी सी, बाकी बच्चे बड़े थे, छोटी जिद करने लगी, कहने लगी ककड़ी खानी है ककड़ी। कहते मैं परेशान हो गया, दिल टूट गया, बेटी ने सवाल किया है। फरमाते मैंने सोचा किसके पास जाऊं, किसी और के पास, मुझे समझ ना आया, मैं सीधा इमाम आजम के पास चला गया। ये शख्स है जो मुझे देगा भी और मेरा पर्दा भी रखेगा, मुझे देगा भी और मेरा, बोलिए मेरा ये पर्दा भी रखेगा, ये रुसवा नहीं करेगा, ये फोटो नहीं खिंचाएगा, ये फोटो खिंचा के पहले दिन फेसबुक पे नहीं लगाएगा कि मैं गरीबों में थैले बांट रहा हूं, ये उसी वक्त अखबार वालों को नहीं बुलाएगा एक थैला और 6 अखबारों में तस्वीरें, ये इस तरह नहीं खैरात देगा। हजरत इमाम आजम के पास गया तो फरमाते रश बहुत ज्यादा था, मैं इमाम साहब से बात ही ना कर सका। वापस आ गया, इमाम साहब ने बंदा भेजा, फरमाया पता कर ये बंदा किसी जरूरत के लिए आया था, रश की वजह से बात नहीं कर पाया। कहते वापस मेरे पीछे बंदा भेजा, वो मेरे घर तक आया, घर आके उसको हालात का पता चल गया, वापस गया। कहते हैं 3 थैलियां अशरफियों की भर के इमाम आजम लाए और खुद आए और रात के अंधेरे में आए और मुझे थैलियां दे के ना तो मेरे आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा हुजूर हाथ क्यों बांधते हैं आप? फरमाने लगे यार दुख इस बात का है कि तू मेरा पड़ोसी था और तेरी गुर्बत का मुझे पता ही नहीं चला, तू मेरे इलाके का था और मैंने सोचा ही नहीं, मेरा अपना था मुझे ख्याल ही नहीं आया। फरमाया माफ कर दे, मेरी शिकायत ना करना कि ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता था। इल्म भी था, अमल का नूर भी था, तकवे का हुस्न भी था, गरीब की मदद का जज्बा भी था। आज लोगों पर माल का फितना सवार होता है, सब पर नहीं लेकिन ज्यादा लोगों पर, जैसे जैसे माल आता जाता है वैसे वैसे अकल भी आती जाती है, वैसे वैसे सियाने भी होते जाते हैं। कहते हैं वो भी कमाए वो भी करे, मैं तो टेक्निकली बड़ा हूं, मैं अकलमंद ही, मैंने बड़ी ना बहन की फिक्र रहती है, ना भांजों की फिक्र रहती है, ना रिश्तेदार की फिक्र रहती है, ना दाएं बाएं कुछ देखते हैं। लोग जैसे जैसे पावरफुल होते जाते हटते जाते कटते जाते, अमीरों से गिराने लगते जाते, आगे की तरफ देखते जाते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी प्यार किया, मोहब्बत बांटी, इल्म, फकाहत, तकवा, रोशनी। आज लोगों को इल्म होता है पर इल्म का नूर नहीं होता। हमें बहुत सारी बातों का पता होता है पर वो बातें हमारे लफ्जों में होती हैं, हम उसके हुसन से आगाह। और अगर मैं ये कह दूं कि हमें उन बातों पर यकीन कामिल नहीं होता, कह रहे होते हैं हम समझते हैं, बड़ी बातें करते हैं लेकिन उन बातों के पीछे जो अमल का जज्बा है वो फीका होता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला जितने बड़े आलिम थे उतना ही बड़ा खौफ था अल्लाह का दिल में, उतना ही बड़ा खौफ था। एक आदमी कहता है मैंने इमाम साहब से मसला पूछना था, मैंने इशा की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ी। कितनी लोग बातें सुनते हैं उसका असर कितना लेते हैं, लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का तरीका क्या था? कहते मैंने इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ी मस्जिद में तो कारी साहब ने कुरान पढ़ा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा वा खरजतिल अर्ध अस्क़ालहा, फरमाते आखिरी दो आयतें पढ़ी, फ़मैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब करूंगा, जर्रा बराबर नेकी हुई तो तेरे सामने आई, जर्रा बराबर गुनाह हुआ तो तेरे किसके बराबर जी? वो कितना होता है? रेत का एक जर्रा, उसके बराबर भी गुनाह हुआ तो तेरे सामने, ये अल्लाह कह दिया है तो ऐसा इंशाल्लाह होके रहेगा। अल्लाह एक दफा दिखाएगा, दुआ फरमाए अल्लाह हमें माफी अता फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए, अल्लाह हमें बख्शे हुए में शामिल फरमाए। ये आयत इमाम साहब ने सुनी तो कहते हैं मैं
नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे, अर्जुना अपनी दाढ़ी पकड़ ली, चराग टमटमा रहा, कहते दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे। मैंने कहा कि किसी महवियत के आलम में है, सोच में, चले मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहते मैं दो घंटे के बाद आया तो इमाम साहब वैसे बैठे हैं दाढ़ी पकड़ी हुई। मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर एक डेढ़ घंटे के बाद गया तो वैसे ही बैठे। कहते तहज्जुद का वक्त हो गया, मैं मस्जिद में गया तो चराग टिमटिमाने लगा, खत्म होने के करीब आ गए, इमाम साहब बैठे। अब मैंने देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई है और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अबू हनीफा तो उलझ जाएगा। ए अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। खुदा बंदा इस तरह कर, मेरे इन सफेद बालों पर रहम खा। ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेहरबानी फरमा, मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता। मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। कहते तड़प रहे इमाम साहब। फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात ही गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे, और मैं रोजाना बीसियों तकरीरें सुनता हूं, दर्जनों हदीसें सुनता हूं, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना मुझे। और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता, तो मैं तो जानता हूं, मन आनम के मन आनम, पता सारा है सरदार नो की दिया, मैं तो जानता हूं ना, मुझे खबर है, लिहाजा मैं नहीं साफ दे सकता, तेरा नहीं मुझे पता। जितना मेरे भाई इल्म ज्यादा उतना खौफ भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है। जो आदमी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करे वो फकीह नहीं, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे, डर के करे, खौफ के साथ करे, अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे। इमाम साहब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दिरहम रख दिए। हुजूर किस लिए? फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है, फरमाया कर्जा एक कैद है, बगैर मजबूरी के ना लेना। अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते, फटाफट कर्जे के पीछे भागते, बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले, फरमाया मकरूज कैदी होता है, कर्जा लेने से बचो। और देने वाले को क्या कहा? फरमाया अगर सामने वाला तंग दस्त हो ना, तंग दस्त, तो उसे मोहलत दो, जितनी तुम मोहलत दोगे अल्लाह उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर तंग, एक साहब मुझे कहने लगे मैंने रमजान शरीफ में ना कर्जे के वाले से या कुछ अरसा पहले किसी मौके पर कर्ज के वाले से को बात की, तो एक साहब मुझे कहने लगे हजरत साहब जे किसी को लेना हो ना 20,000 तो उन्होंने तरा के लई दे, तो जे 20 करोड़ लेना हो तो फिर नहीं तराया जाता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 20,000 वाला बंदा माड़ा होंगे ना, जरा 20 करोड़ खा गया वड्डी मगरमच्छ होंगे, उन्होंने तराया जा सकता? वो जेके बंदे तरले ही कर दे लेंगे, चल भाई किवें दे सकना है। और जो 20,000 वाला ना माड़ा बंदा, कहते तू देने के तेरा बंदोबस्त करिए, कहते चल साहब जुमेरात ले आओ किसी तरीके, जुमेरात माड़ा है ना। नबी पाक ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुझे पता चल जाए कि तंग दस्त है तो मोहलत दे, जितने दिन तू उससे पैसे नहीं लेगा उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब दिया जाए। अब लोग जो तगड़ी मोटे मगरमच्छ है उनको मोहलत देते हो, कहते जा जी थोला बदनी लीला, फिर कहते नहीं आप बताएं आप कैसे दे सकते। और माड़ा बंदा इन्हें 2,000 देना है दुकान का, उसको दुकानदार कहता है कल साइकिल लेके तब गुजरना मेरे आगे से अगर पैसे देने हैं तो, मैंने साइकिल रख लेना। डरना चाहिए अल्लाह पाक, हमें पता होता है सामने वाला गरीब है, तंग दस्त है, मजबूर है, से मोहलत देनी। इमाम साहब कहते हैं मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, पास मंजर यह था कि गरीब लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल ये था कि आप धूप में खड़े थे, साथ उस बंदे का मकान था, लोगों ने कहा हजरत दीवार के साए में हो जाए, फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं, अगर साए में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा, मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए क्यों छुपता है? हुजूर आपके पैसे देने, आपने फरमाया जा मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किए, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ तो तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं, घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए, मकरूज आदमी, पता उस वक्त चलता है तब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र ना करना हम तेरे साथ हैं, तो उसके साथ होना था इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते, हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी अखलाकियात के अंदर वो हुसन नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए, और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूक उल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों।
हम तो गाली दे के भी कहते हैं ना, चल क्या हो गया, गाली दी है ना। मैंने देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारो वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है, माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पुजारों वाला नहीं मांगेगा। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है। नीचे उतर के मुलाजम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आलिम हुकूकुल इबाद का, छोटी छोटी आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया। सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का साहिबान रहा, ठंडी छाव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज गए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई, कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ, फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता, अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा। कई दिन रोते गुजर गए, लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरातन कहा था, मुहावरातन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते, सीधे दिल से जाके टकराते। गली से गुजर रहे, लकड़ी के जूते पहने, खड़ाओ बारिश है, कीचड़ है, एक दीवार के करीब से गुजरे तो थोड़ा सा कीचड़ उड़ के ना तो दीवार पे पड़ गया, यहां ट्राली वाला सारी दीवार तोड़ जाता है और कहता है चलो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है, यहां लोगों का घर तोड़ जाते हैं, कहते हैं चलो बताओ कितना खर्चा आया था, फौरी तौर पे लोग मानने को तैयार ही नहीं इमाम साहब के पैरों से। ये बारीकी समझे, ये हुकूकुल इबाद का मसला है, जो जानने वाले होते थे उनका ये तर्ज जिंदगी था, कीचड़ उड़ा पैरों से और एक आदमी की दीवार पर पड़ गया। इमाम साहब खड़े हैं सोच रहे करूं तो क्या करूं, शागिर्द साथ है, हजरत जी क्या परेशानी है। आप फरमाने लगे मैंने उसकी दीवार गंदी कर दी है, साफ ना करूं तो भी जुल्म है, और अगर साफ करूं तो दीवार कच्ची है, जब साफ करूंगा तो कुछ मिट्टी उतर जाएगी, तो किसी के घर की मिट्टी उतारना यह भी जुल्म है, अब मैं दो परेशानियों में उलझ गया हूं, किधर जाऊं। कहा हजरत जी फिर फरमाया इसके दरवाजे पर दस्तक दो। दरवाजे पर दस्तक दी तो जो बंदा बाहर आया वो मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था। इमाम साहब कहने लगे मुझे जानते हो, कहने लगे हुजूर सारा कूफा जानता है, सारा बगदाद जानता है, सारी दुनिया जानती है आप मुसलमानों के इमाम हैं, लोग जानते। आपने फरमाया यार मुझसे गलती हो गई है। वो क्या? आप फरमाने लगे मैं अपने अंदाज में गुजर रहा था, बूढ़ा आदमी हूं, ख्याल नहीं आया, थोड़ा कीचड़ उड़ के तेरी दीवार पर लग गया है। मेरे भाई ये कुछ फरिश्ते थोड़ी थे, यही जमीन पर बसने वाले लोग, एहतियात वाले लोग थे। हम लोगों ने पता नहीं अपना मिजाज इतना सख्त क्यों बना लिया है, कितने लोगों को लताड़ के, कितनी पगड़ियां उछाल के, कितने हुकूक को लिबाज जाया करके भी हम उसी तरह के मुतमईन के मुतमईन है। कहां से तसल्ली लाते हैं हम, कहां से अपने आप को ठंडक देते हैं, कैसे अपने आप को हम सुकून दे लेते हैं किसी को तकलीफ दे के, किस तरह सुकून की नींद आती है जब कोई परेशान होता, क्यों हमारा दिल पत्थर हो गया। आला हज़रत फरमाया करते थे जा किसी से जाके इलाज करा, तेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो सख्त हो गया, जा किसी से जाके इसकी दवाई खा, मुझे ख्याल ही नहीं आता तड़पते लोगों को देखकर, जाके इलाज करा, अगर ऐसे ही मर गया तो हालात तेरे हक में अच्छे नहीं होंगे। हजरत इमाम साहब तड़प रहे हैं और उस शख्स के सामने आहोजारी कर रहे हैं जो मजूसी भी है, गरीब भी है, कच्चे घर में रहता है। फरमाया यार बताओ क्या करूं। इमाम साहब बातें कर रहे हैं तो वो आदमी हैरत में खो गया, कभी दीवार देखता, कभी अपना आप देखता, कभी इमाम साहब को देखता, दाएं बाएं देखता, पसीने आने लगे, पता नहीं क्या सोचों का मद्दोजर जजर चलने लगा, कहां बात गई, कहां तक उसकी सोच गई, कहां पलट के आई। कहने लगा इमाम साहब मैं तो चौक में रहता हूं, रोजाना पता नहीं कितनी गाड़ियां मिट्टी बरसा जाती हैं, कभी कोई नहीं आया, आपको क्या हुआ। आप फरमाने लगे मुझे किसी का नहीं पता, मुझे तो मैंने जो कुरान हदीस पढ़ा है मुझे तो डर आ रहा है, मुझे बता तू माफी देता है कि नहीं, तेरी दीवार साफ होगी कि नहीं। कहने लगा हुजूर दीवार को छोड़े, पहले कलमा पढ़ाए, मेरा दिल तो साफ कर दे। कहने लगा इतना मीठा दीन, इतना प्यारा दीन, इतना खूबसूरत दीन कि गरीब की दीवार पर कीचड़ लग जाए और आपको इतनी तकलीफ हो, मैं इस दीन से दूर क्यों हूं। यहां रोज यूरोप कहता है कि मुसलमान झूठी शादियां करते, दंगा फसाद करते, नेशनैलिटी लेने के लिए झूठ बोलते,
जाने किस किस किस्म के लोग पापड़ बेलते, किन किन किस किस तरह अपना ईमान बेचते, क्या अंदाज हम इख्तियार करते। हमारे किरदार ने लोगों को मजहब और दीन दीन का बागी बना दिया। हमारे बुजुर्गों का तरीका यह था कि छोटी छोटी बातों का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों का। बहुत बड़े आलिम थे, ये सारी नेकियां तो उनकी समाजी थी, फलाही थी, उनकी मुआशरत की नेकियां थी, दुनियादारी। लेकिन जो उनका बाकी का मामला था, चार लोग ऐसे हैं जो हमेशा कुरान पाक एक रात में पढ़ा करते थे। उनमें पहला नाम हजरत उस्माने गनी का है, पूरा कुरान पाक। दूसरा मौला अली शेर खुदा का है। तीसरा हजरत सईद बिन जुबैर का है। चौथे इमाम आजम अबू हनीफा है, जो एक रात में पूरा कुरान पाक पढ़ दिया करते। जिस जगह इमाम आजम की कब्र बनी हुई है ना, आजमिया एक महल्ला है बगदाद का, उसका नाम ही आजमिया, इमाम साहब के नाम, जहां कब्र बनी हुई है वहां बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा ने 60 मरतबा कुरान पाक खत्म किया। खुद पढ़ा, खुद फरमाया यहां मैंने दफन होना, उस जगह 60 कुरान पाक पढ़े। रमजान का महीना आता था तो इमाम साहब एक कुरान पाक दिन में पढ़ते थे, एक रात को पढ़ा करते थे, एक कुरान पाक सुनाया करते। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी रात नफल पढ़ते। लोग कहते हैं कि इमाम साहब की रात नमाज के लिए खड़े होते तो एक रकत में 15 सिपारे पढ़ते, तो लोग कहते थे ये अबू हनीफा नहीं, ये तो कोई किसी ने पिलर खड़ा कर दिया, ये तो कोई सुतून है, रुकू ही नहीं करता, पूरे 15 सिपारे। यहां तो अभी तरावी आएंगी, लोग पहले से कहने लग गए बड़ी गर्मियों के रोजे, बड़ी गर्मियों के रोजे। और आ तो लेने दे भाई, पहुंच तो लेने दे रमजान शरीफ को, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, हर चीज को बदलने पे कादर है। पहले से लोग तैयारी कर रहे हैं, मस्जिदें ढूंढेंगे, जाए ऐसी अच्छा हो, कुरान जल्दी पढ़ा जाए, ढूंढ ढूंढ के। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं तू तरावी में खड़ा नहीं होता, पासपोर्ट के दफ्तर खड़ा हो जाता है 2 घंटे, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू 3 घंटे खड़ा हो लेता है। ये तेरा जुल्म है अपनी जात के साथ कि तुझे कुरान के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता, दुनियादारी के लिए खड़ा। वो प्रोजेक्टर कराने जाए तो चाहे तुझे 4 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े, वहां तू खड़ा हो लेता है। अल्लाह से डर, अपनी थोड़ी सी दुनियादारी के लिए सारा कुछ कर लेता है। हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तकवा और तहारत के पहाड़, 55 हज किए इमाम आजम ने, कितने 55 55 हज फरमाए। आज एक मुशक्कत वाला काम है, जद्दोजहद वाला काम है, जवान भी थक जाते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल है जी, और ये जितना मर्जी आसान हो गया कयामत तक इसने मुश्किल ही रहना है, इसलिए कि ये एक मुजाहिदा है। 55 हज किए, आखिरी हज पे गए तो काबे के मुजावर को कहने लगे जरा खोल नहीं देते काबे का दरवाजा, मेरा अंदर जाने को दिल करता है। उसने दरवाजा खोला, अंदर गए तो कहने लगे खुदाया, 2 जुमले कहे, कहने लगे अल्लाह जितना तूने माल दिया था मैं उतना शुक्र नहीं अदा कर सका, और जितना तूने इल्म दिया था मैं उतना अमल नहीं कर सका, अब बूढ़ा हो गया हूं, मेहरबानी करना मुझसे दरगुजर वाला मामला कर, और अल्लाह अगर तू मुझे बता दे कि तू राजी या नाराज है तो मैं जरा सुकून से मर जाऊं। कहते हैं काबे की दीवारों से आवाज आने लगी, अबू हनीफा तेरा रब तुझसे बड़ा राजी है, दाता गंज बख्श अली अजवेरी जैसा बाबा 1000 साल पहले लिख के गए कशफुल माजूद में, दाता साहब ने लिखा है 1000 साल पहले कशफुल माजूद में। दाता साहब फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे हाजिरी देने गया, यानी 1000 साल पहले के मुसलमान भी कब्रों पे मजारों पे जाया करते थे। दाता साहब लिखते कहते हैं मुल्क शाम में हजरत बिलाल हबशी की कब्र पे हाजिरी देने गया, मैं कब्र पे हाजिरी दे के तो साथ लेट गया, मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में नबी पाक का दीदार नसीब हुआ, गोया हाजरी हजरत बिलाल की, और बरकत यह कि वहां मुझे मुस्तफा का दीदार नसीब हो रहा है। फरमाते हैं नबी पाक मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने एक बूढ़े बाबे के गले में हाथ डाला हुआ है और अपने साथ साथ चला रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये कौन है, तो नबी पाक ने फरमाया ये तेरा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा है। फरमाते मुझे समझ आ गई कि इमाम आजम भटक इसलिए नहीं सकते कि उन्हें रसूल पाक ने सारा अता फरमाया है, वो भय किस लिए नहीं सकते कि नबी पाक ने उन्हें सारा दिया है। दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत। इमाम आजम का पैगाम क्या है, उन्होंने फिका बनाई, दीन फैलाया, जितनी भी मैंने बातें सुनाई सारा पैगाम, एक पैगाम है इमाम साहब। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दीन पर अमल करने वालों को भी किसी अच्छी सोहबत की जरूरत होती है, अमल करने वाले को। आप फरमाते हैं कई दफा अमल करने वाले का अमल भी टूट जाता है, इस्तकामत नहीं रहती। फरमाते हैं अच्छी सोबतें तलाश करो, उनके पास बैठा करो, वरना हो सकता है जो अमल तुम कर रहे हो उसमें कमी आ जाए। जितना नेक लोगों से राबता ज्यादा रहता है इंसान का दीन पर अमल ज्यादा रहता है, जितना नेक लोगों से पीछे हटता है उतना दीन से। आप फरमाया करते थे अगर 2 साल ना होते जो मैंने इमाम जाफर सादिक की सोबत में गुजारे अबू हनीफा हलाक हो जाता,
अपने आप को रब करीम के बंदों के साथ लगा के रखें, जोड़ के रखें। अगर हमारा रब करीम के बंदों से रिश्ता रहेगा तो कुरान सुन्नत से रिश्ता रहेगा। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के नकूश सीरत पर अमल की तौफीक अता करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।